आमिर खान मिले टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से। सोशल मीडिया यूजर्स ने लगाई उनकी क्लास। किसी ने आमिर को शेमलेस यानी कि बेशर्म कहा तो कुछ यूजर्स ने उन्हें देशद्रोही तक बुलाया। इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए टर्की गए हुए हैं आमिर। इस बीच उन्होंने टर्की की पहली महिला एमीन एर्दोगन से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे हैं। एक और यूजर ने लिखा, आज के समय में टर्की का रुख पूरी तरह से भारत विरोधी है। सरकार ने किसी भी तरह की टर्की यात्रा के लिए सलाह नहीं दी है। भारत के एक सुपरस्टार ने टर्किश फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात की है। एंटी नेशनल ना बोले तो क्या बोले। दूसरे यूजर ने लिखा, हमें जल्द पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिन्हें हम हीरो कहते हैं और जिन्हें हम अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, क्या बॉलीवुड सितारों को ऐसे देशों को एक मजबूत संदेश देने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। आमिर खान ये निराशजनक है। साफ है यूजर्स को दोनों का ये मीटिंग पसंद नहीं आ रही है। आमिर के खिलाफ हेट कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं। टर्की ने हाल फिलहाल में इंडिया का ऑपोजिशन किया। कश्मीर और आर्टिकल 370 को टर्की ने क्रिटिसाइज किया। टर्की के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जिसके बाद से ही भारत और टर्की के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं है। ऐसे में आमिर खान का वहां जाकर एर्दोगन से मिलना और फिल्म की शूटिंग पूरी करना कितना सही है, इस पर आपके रिएक्शन क्या है पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।